हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर गाइज गाइज जैसा कि आपने पूर्व में अध्ययन कर लिया है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी हम बात कर रहे थे इससे पहले के वीडियो में कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, यानी हमने वहाँ चर्चा कर ली है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव जो एक नाउन की या किसी वर्ब की, या जो एडवर्ब है जो एक किसी शुभ वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आज पुनः एक नए विषय के ऊपर, एक नए बिंदु के ऊपर, जहाँ पर हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, यानी यहाँ बात हो रही है कि किस प्रकार से आप एक कॉन्टेक्स्ट के अनुसार एक शब्द का अलग अलग अर्थ कर सकते हैं या आपको करना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ये कहते हैं कि ये शब्द मुझे बहुत अच्छे से आता है, इस सेंटेंस का मैं बहुत अच्छे से अर्थ करना जानता हूँ, इसके बावजूद भी आप माय डियर गाइज उसका सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। इस विषय में हम चर्चा करेंगे आज, और मैं आपको कुछ मेरे स्वयं के जीवन के विषय से बताना चाहता हूँ कि पिछले बुधवार को जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मैंने वहाँ देखा कि यहाँ देखो चर्चा हो रही है वर्ड मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ वहाँ बात हुई क्या कि एक महिला खड़ी हुई थी पर्ची कटवाने के लिए, स्लिप बनवाने के लिए। तो उस महिला ने किसी एक को कहा, क्या कहा कि मुझे कितनी, देखो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि सबकी कितनी बार, यानी उस महिला ने एक शब्द बोला था वहाँ पर, क्या कितनी बार, ये बात को हम बोल रही है महिला बोल रही है कि मुझे कितनी बार हो गई बेटा यहाँ खड़े हुए, और तू अभी आया है और तुरंत पर्ची बनवा करके ले जा रहा है। यानी एक कितनी बार शब्द बोला महिला ने, एक स्टूडेंट टीचर से कहता है, कौन कहता है, स्टूडेंट टीचर से कहता है कि सर मैंने इस लेसन को कितनी बार पढ़ लिया है पर मैं इसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो माय डियर गाइस देखो बात यहाँ ये चल रही है कि सब तो एक है कितनी बार, पर इसके प्रसंगवश अलग अलग अर्थ हो गए। यानी महिला के प्रसंग में तो क्या हो गया, बहुत देर, यानी महिला तो कहना चाहती है कि बेटा मुझे तो यहाँ खड़े हुए बहुत देर हो गई और तू अभी आया है कि पर्ची बनवा के ले चला। स्टूडेंट के प्रसंग में क्या हो गया कि बहुत बार, यानी विद्यार्थी के प्रसंग में हो गया, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा कि सर मैंने इसको कितनी बार पढ़ लिया है, यानी कहने तात्पर्य मेरा ये हुआ माय डियर गाइज कि आप यहाँ पर ये चीज़ सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक सेम शब्द जो है अलग अलग स्थान पर प्रसंगवश घटनावश अपना अलग अलग अर्थ कैसे व्यक्त करता है। तो यहाँ हम पर्टिकुलर हमने चर्चा किया कि किसकी कितनी बार शब्द की। इसी क्रम में मैं आपसे बात करूँ, एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके सामने। यहाँ इसने एक बात कही है कि ए वर्ड इन आइसोलेशन, आइसोलेशन होता है पृथक, यानी अलग रूप से, यानी एक शब्द जो कि जिसे हम कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अब एक शब्द जब तक सेंटेंस में यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जब तक उसको नहीं रखा जाएगा तब तक वह अपना अर्थ नहीं देगा। तो अब इस बात को आप गलत साबित इस प्रकार से कर सकते हैं कि सर नहीं ऐसा कैसे कह सकते हो कि जैसे कि आप यहाँ पर रन शब्द की बात कर रहे हो, तो यहाँ जो रन शब्द है इसका मुझे अर्थ मालूम है, क्या रन यानी दौड़ना। अब मैं कहूँ कि जैसे मैंने कहा प्ले, प्ले यानी आप कहोगे सर मुझे पता है इसका अर्थ क्या है, खेलना। अब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ए वर्ड इन आइसोलेशन हैज़ गॉट नो मीनिंग, यानी एक शब्द जो है अगर वो अलग से एकांत में अकेला यूज़ किया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ डियर गाइज कि यहाँ अलग का मतलब, एकांत का मतलब कुछ और है। तो यानी शब्द का अर्थ तो होगा पर वह अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ कहने तात्पर्य क्या हुआ कि अकेला शब्द कभी भी अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, स्पष्ट नहीं कर पाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं तो कह रहे कि हाउ एवर ए वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड वी हैव टू लर्न द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये कहना चाहता है कि आज हम इस बिंदु से ये सीखेंगे कि किस प्रकार से एक शब्द का अपना स्वयं का अर्थ जो है
प्रसंगवश कैसे बदल जाता है और एक शब्द का अलग अलग कैसे अर्थ हो सकता है। तो करें एग्जामाइन वर्ड रन, तो यहाँ इसने किस शब्द को ले लिया, पर्टिकुलर रन शब्द को ले लिया। वो कहना चाहता है कि रन शब्द का प्रयोग करते हुए आप इस रन शब्द को, जिसे आप सामान्य शब्द समझते हैं, इस शब्द को आप अलग अलग प्रसंगवश इसका अलग अलग कैसे अर्थ कर सकते हैं, ये बात आज आप यहाँ पर समझेंगे। तो माय डियर गाइज, यहाँ बात हो रही है कि आप एक प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ कैसे करेंगे, तो देखते हैं, बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि रन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विच विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी वर्ड सेम होगा स्पेलिंग के रूप में, पर उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्थ बदल जाएगा, यानी प्रसंग वश उसका अर्थ बदल जाएगा। तो अब देखो डियर गाइज, बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, सी केम रनिंग टू मीट अस। देखो यहाँ इसको स्पष्ट भी कर रखा है, मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ जो ब्रैकेट में दे रखा है मूविंग फास्टर देन वॉकिंग, यानी ये जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिए गए रन शब्द को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो कह रहे हैं सी केम रनिंग टू मीट अस, कि यानी वह मुझसे मिलने के लिए आई। तो रनिंग यानी दौड़ते हुए, अब यहाँ दौड़ने का तात्पर्य वो दौड़ना नहीं, रेस करना कहते हैं उसको, दूसरे लोग कहें रेस करना, तो ये वो दौड़ना नहीं है। यहाँ दौड़ने का तात्पर्य माय डियर गाइज क्या है, कि मूविंग फास्टर देन वॉकिंग, यानी जो हम सामान्य गति से चलते हैं उससे वह तेज़ गति से चली और मुझसे मिलने आई। ठीक है, ये बात कही, यानी पहले वाले वाक्य का जो रनिंग शब्द है उसका अर्थ क्या हुआ, सामान्य से तेज़ गति से चलना। नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ही रन्स इन द 100 meters रेस टूडे। यानी यहाँ टूडे और रन शब्द का, देखो यहाँ रन शब्द का अर्थ क्या है, कि उसने आज 100 meter की रेस में जो दौड़ प्रतियोगिता है उसमें क्या किया है, रन्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पार्टिसिपेट करना। कहने तात्पर्य हुआ कि यहाँ इस सेंटेंस में रन्स का अर्थ क्या है, पार्टिसिपेट, यानी उसने आज या फिर वह आज 100 meter की रेस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। माय डियर गाइज, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि दूसरा सेंटेंस जो आपका है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दर्शा रहा है, यानी फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है। आगे बात हो रही है क्या, सी इज रनिंग ए स्कूल, यानी यहाँ कह रहा है कि मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजर होता है व्यवस्थित करना, संचालन करना, चलाना। ए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संस्था, एक ब्रांच। तो यहाँ बात हो रही, देखो ही इज रनिंग ए स्कूल, यानी वह अपने विद्यालय को चला रहा है। तो तीसरे सेंटेंस में रन से वगैरह तो वहाँ चलाना यानी कंडक्ट करना, जैसे आप कहते हैं ना वह अपनी दुकान चला रहा है, उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो वो चलने का, यहाँ जो रनिंग शब्द है उस चलने के अर्थ में प्रयोग किया गया है, यानी उसकी दुकान में अच्छा काम चल रहा है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, कमाई हो रही है, इस रूप में वो कह रहे हैं कि स्कूल, वह स्कूल चला रहा है। आगे कह रहे हैं आयरेनियन न्यूज़पेपर्स रेन द ओनियन स्टोरी, यानी देखो यहाँ बात करें केयरिंग न्यूज स्टोरी, यानी यहाँ फोर्थ सेंटेंस में आपके रेन जो रन की सेकंड फॉर्म है, इसका अर्थ क्या है माय डियर गाइज, कि इस समाचार पत्र में आज प्याज की कहानी क्या है, छपी है। तो आयरन यानी ईरान से संबंधित, या अरबी कोई भाषा वगैरह होगी, यानी ईरान से संबंधित कोई भाषा होगी, उस भाषा में लिखित कोई ईरानियन न्यूज़पेपर होगा, उस न्यूज़पेपर में क्या दिया गया, आज द ओनियन स्टोरी दी गई है। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ कि आज इस न्यूज़पेपर में केयरिंग न्यूज़ स्टोरी, यानी ओनियन की स्टोरी क्या किया गया, प्रकाशित किया गया, या इस समाचार पत्र में ओनियन की स्टोरी दी गई है, प्रकाशित हुई है। तो यानी आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस में, तो कह रहे द टेप इज नॉट रनिंग, यानी फ्लोइंग ऑफ लिक्विड्स। यानी इस सेंटेंस में द टेप इज नॉट रनिंग का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, कि जो टेप है, टेप यानी नल का मतलब समझ गए हो गया, जहाँ से पानी आता है, टूटी चीज वगैरह कहते हैं, टूटी नल पाइप वगैरह जो भी हम कहें। तो कह रहे इस पाइप से आज क्या नहीं आ रहा है, टूटी से क्या नहीं आ रहा, नल से क्या नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। तो यानी यहाँ रनिंग का अर्थ क्या हो गया, पानी का बहना, यानी फ्लोइंग, फ्लो यानी होता है बहना, फ्लोइंग ऑफ लिक्विड्स, यानी किसी द्रव पदार्थ का, तरल पदार्थ का क्या करना, रिसाव होना। तो इस सेंटेंस में रनिंग से क्या अर्थ हुआ, पानी का बहना, यानी नोट आ रहा है तो नहीं बहना।
ऑल ट्रेन्स आर रनिंग लेट। तो यहाँ कह रहा है कि पहले, हाँ, इस पैरेलल सेंट रनिंग अर्थ क्या था, बहना, और यहाँ इसका अर्थ क्या है, ऑल ट्रेन, सभी ट्रेनें आर रनिंग लेट, यानी सभी ट्रेनें जो हैं आज क्या हो रही है, रनिंग यानी चलना, यानी सभी ट्रेनें आज देर से चल रही हैं। यानी कहने तात्पर्य क्या हुआ कि वे अपने ट्रेवलिंग के यानी चलने के निश्चित समय से क्या है, आज विलंब से हैं, और वो आज विलंब से चल रही हैं। आगे कह रहे हैं आई रेन माई आइज ओवर द पेज, यानी नेक्स्ट वाक्य में शब्द एक ही है, देखो रन की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी का प्रयोग एस आई एस लगा करके यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, पर फिर भी शब्द एक है, यानी रन कहो, रेन कहो, रनिंग कहो या रन्स कहो, तो यहाँ क्या अर्थ होगा, आई रेन माई आइज ओवर द पेज, यानी ग्लांसिंग ओवर ए टेक्स्ट, ग्लांसिंग सरसरी नज़र डालना, यानी ध्यान पूर्वक न पढ़ करके चलते हुए नज़र डालना। तो कह रहे आई रेन माई आइज ओवर द पेज, यानी मैंने क्या किया, पेज पर, पेज यानी जिसे आप पृष्ठ कहते हैं, उस पृष्ठ के ऊपर, पेज के ऊपर मैंने क्या की, मेरी नज़रें दौड़ाई, तो यानी नज़रें डालना या दृष्टि डालना, क्या अर्थ हुआ, किसका अर्थ हुआ, रेन शब्द का यहाँ पर अर्थ हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको पुनः बताना चाहता हूँ, जैसे पहले पहले सेंटेंस का क्या था, रनिंग का मतलब सामान्य से तेज गति से चलना, दूसरे सेंटेंस में रन का अर्थ क्या था, पार्टिसिपेट करना, टेकिंग पार्ट इन ए रेस, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या था, संचालन करना, और उससे नेक्स्ट सेंटेंस में न्यूज़पेपर में क्या था कि एक कहानी का उसमें प्रकाशित तो होना या समाहित तो होना, टेप वाले में क्या था, रन का अर्थ बहना, और ट्रेन्स वाले में रन का अर्थ क्या था, चलना, और लास्ट वाले में रन का अर्थ क्या था, माय डियर गाइज, नज़र डालना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वास्तव में देखा जाए तो शब्द एक ही था, यानी शब्द तो एक सामान्य शब्द था रन, पर उस रन शब्द के अलग अलग वाक्यों में वाक्यों के अनुसार प्रसंग वश क्या हो जा रहे थे, अर्थ बदलते जा रहे थे। तो अब आपको ये समझना होगा कि हमेशा हम किसी एक शब्द का एक ही सामान्य अर्थ नहीं लगा सकते, बल्कि उसका प्रसंग वश, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, स्थान विशेष के अनुसार क्या हो जाता है, डीआर, उसका अर्थ बदल जाता है। तो आगे से आप जब भी आपको क्या नहीं लगे, कोई पैराग्राफ जब आपने पढ़ा, वो पैराग्राफ का अर्थ अगर आपको सटीक नज़र नहीं आए या आपको वो पैराग्राफ समझ में नहीं आए, इसका मतलब आप समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो अर्थ है वो प्रसंगवश सही नहीं है। आगे हम चर्चा करते हैं माय डियर गाइज, देखो यहाँ तो बात थी रन शब्द की, इसके बाद में हम नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं, और यहाँ चर्चा हो रही है माय डियर डियर गाइज की शब्द की, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किस शब्द की, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे फाइन शब्द की। तो देखो डियर गाइज, वहाँ रन शब्द था, यहाँ फाइन शब्द है, तो बात करें यू लुक फाइन इन ड्रेस, यानी पहले पहले सेंटेंस में फाइन शब्द क्या अर्थ हुआ, शब्द, देखो यहाँ बात गौर करना, अपने बात गौर करनी किस पर, फाइन शब्द पर, तो अगर यू लुक फाइन इन दिस ड्रेस, यहाँ फाइन करके हुआ सुंदर, यानी आकर्षक, तुम इस पोशाक में आकर्षक नज़र आ रहे हो। फिर कह रहा है क्या, कैन आई गेट यू ए कप ऑफ टी, नो थैंक्स आई एम फाइन, यानी जब आप देखते हैं किसी व्यक्ति को थके हारे कुछ जैसे मानसिक रूप से या उसके फेशियल एक्सप्रेशन से नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति क्या है, परेशान है या कुछ भी बात है, तो आप उसे कहते हैं कि चलो आप पानी पीजिए, चाय पीजिए, ताकि थोड़ा आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ऐसा हम मानवता के नाते व्यवहारिक रूप से हम कहते हैं, तो वैसे किसी ने कहा कि कैन आई गेट यू ए कप ऑफ टी, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लाऊं, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है रिप्लाई में जवाब देते हुए नो नहीं थैंक्स आई एम फाइन, तो यहाँ फाइन से क्या तो मैडी गर्ल, यानी मैं क्या हूँ, ठीक हूँ, यानी मैं फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, यानी यहाँ बात हो रही है स्वास्थ्य से संबंधित, यानी मैं स्वास्थ्य के रूप में क्या नहीं हूँ, किसी प्रकार से परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप परेशानी मत उठाइए। आगे करें आई एम नॉट फीलिंग फाइन वैन आई गोट अप इन द मॉर्निंग, यानी मैं, मुझे क्या फील नहीं हो रहा था, फाइन यानी अच्छा, देखो वहाँ फाइन का मतलब क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित, यहाँ पर है मैं अनुभूति के अनुसार, यानी वहाँ तो फिजिकली है जो स्वास्थ्य से संबंधित वो स्वस्थ बता रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, यानी ये भावनात्मक बात है जिसे हम कहते हैं ना कई बार आंतरिक और बाह्य, तो वो फाइन कह रहा था
कि मैं फिजिकली यानी स्वास्थ्य के रूप में किसी प्रकार चिंतित नहीं हूँ, मैं सही हूँ, फाइन हूँ। और यहाँ कह रहा है कि जब मेरी जो भावनाएं जो हैं, जिसे हम कहते हैं सोपनाना या फिर जी मचलाना, ऐसा कुछ जो होना है, इन सब के रूप में वो कह रहा है कि मैं फाइन हूँ। आगे कह रहे हैं आई ही पेड ए फाइन फॉर द मिसचीफ, मिसचीफ मतलब गलत कार्य करना, उसने अपने अपराध के लिए क्या किया है, फाइन भरा है। तो यहाँ फाइन का अर्थ क्या है, तो मैडी अगर फाइन का क्या है, जुर्माना। यानी इस सेंटेंस में फाइन का अर्थ क्या है, जुर्माना है। आगे कह रहे हैं सी वॉज फाइन फॉर ओवर स्पीडिंग, उस पर क्या किया गया है, बहुत यानी आवश्यकता से अधिक या ओवर लिमिट में भगाने के लिए क्या किया गया, उस पर फाइन लगाया गया है। तो सी वॉज फाइंड फॉर ओवर स्पीडिंग, यानी ओवर स्पीडिंग यानी क्षमता से अधिक तेज गति से ड्राइविंग करने के कारण से क्या लगाया गया, फाइन लगाया गया। तो इसे मैं कहूँ कि फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में सिर्फ इतना अंतर है कि पहला सेंटेंस तो किसका है, एक्टिव का है, दूसरा सेंटेंस कौन सा है, पैसिव का है, बाकी ये कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है द वेदर इज़ फाइन, यानी मौसम क्या है, सुहावना है। सुहावना मतलब कि मौसम अच्छा है। ठीक है डियर गाइज, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को समझा होगा कि किस प्रकार से शब्द एक तरह से, मान लो पहले हमने शब्द लिया था रन, इस बार हमने शब्द लिया है क्या, फाइन। तो प्रसंगवश वाक्य के अर्थानुसार क्या हो गया, इसका अर्थ बदलता गया। मैंने उदाहरण आपको पहले दिया भी था कितनी बार वाला, इसी रूप में इसके दो एग्जाम्पल जो बच्चे मैं उनको आपको सामने रखता हूँ। दिस इज ए फाइन मैस वी आर इन, फाइन यानी अच्छी यानी व्यवस्थित, यानी यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, व्यवस्थित यानी सुस्पष्ट क्लियर साफ सफाई वाली। यानी दिस इज ए फाइन मैस वी आर इन, यानी जिस मैस में जिस भोजनालय में हम रह रहे हैं, जिस आवास स्थान पर हम हैं, वो वास्तव में बिल्कुल क्लियर है, फाइन है। और फिर यहाँ पर कह रहा है हाउ आर यू, तो कह रहा है आई एम फाइन। तो ये वाला जो सेंटेंस है यानी लास्ट सेंटेंस जो है आपका, ये सेंटेंस मैच करता है किससे, आपके सेकेंड सेंटेंस से। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। अब मैं कुछ आपको और बताता हूँ जो मेरे साथ में हुआ कभी इस प्रसंग वाली बात को लेकर के। एक बार माय डियर गाइज, मैं जयपुर था और फर्स्ट ईयर की बात थी, जब मैंने मेरे के मोहल्ले के लड़के को फ़ोन मैसेज किया, वो ऐप भी एंड फेसबुक मैसेज किया, उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग, उसने इंग्लिश में बोला, तो मैंने भी इंग्लिश में जवाब दे दिया उसको कि आई एम प्लेइंग ऐप भी। तो वो कहता है कि अरे वारे बड़े ज्ञानी इंसान भाई, तू तगड़ा मास्टर बन के निकलेगा। भाई क्या बात हुई, मैं तगड़ा मास्टर क्यों निकलूँगा, मतलब क्या बात हो गई ऐसे बता। तो उसने कहा कि यार हमने भी 12वीं पास कर ली है, हमारे ज़्यादा ज्ञान मत छाट। कह रहा है कि मैं फेसबुक प्ले कर रहा हूँ। अरे फेसबुक क्या कोई खेलने की चीज़ है जो उसको प्ले कर रहा है। तो माय डियर गाइज, फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि माय डियर अशोक, ये मात्र खेलने का तात्पर्य ये नहीं है कि प्ले का मतलब यहाँ पर केवल ये नहीं है कि प्लेइंग क्या होता है, खेलना। यहाँ मैं प्ले का अर्थ ले रहा हूँ चलाना, यानी मैं फेसबुक चला रहा हूँ प्ले। फिर मैंने उसको समझाना चाहा कि भाई देख, जैसे अगर मैं कहता कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले का अर्थ क्या होता है, खेलना। देखो बात को मैं समझना चाहता हूँ आपको, मैं कहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो वो तो क्या होता, खेलना। अब मैं अगर मैं तेरे को कहता आई एम प्लेइंग फ्लूट, फ्लूट क्या होता है, बांसुरी, वैल्यू टी। मैं उसको क्या, मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फ्लूट, तो यहाँ फ्लूट का होता है बजाना। देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ किसकी, प्ले शब्द की, तो यहाँ क्या जाएगा इसका, बजाना। और एक मैंने कहा आई एम प्लेइंग एप बी, तो यहाँ एप बी की अगर मैं बात करूँगा तो इसको क्या कहूँगा, मैं चलाना। तो माय डियर गाइस, इस बात का आप ध्यान रखें, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है फ्यूचर में कभी भी, कि जब एक ही शब्द अगर आपका वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने में अगर यदि आपकी सहायता नहीं कर पा रहा हो, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को समझने पर जोर देंगे कि उस वाक्य का, उस वाक्य में उस दिए गए पर्टिकुलर शब्द का कोई अलग अर्थ है जो प्रसंगवश यहाँ मुझे लेना चाहिए या समझना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो माय डियर गाइस, मैं इसको आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपने कभी डिक्शनरी का प्रयोग किया होगा, और डिक्शनरी का प्रयोग करते समय आपने देखा होगा कि उसमें अनेक अर्थ आते हैं। तो यानी वो अर्थ आना जो है ना, वो बताता है कि आप इस शब्द का अलग अलग स्थान में, अलग अलग परिस्थितियों में, इन इन अर्थों में, इन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आप इनके अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे देखते हैं एक मिनट के लिए। जैसे गाइज, मैंने ये मेरी डिक्शनरी खोली और डिक्शनरी में मैंने लिखा प्ले,
क्या लिखा मैंने डियर गाइज प्ले। अब देखो इस प्ले शब्द को मैंने जैसे लिखा प्ले शब्द का क्या क्या अर्थ है देखो यहाँ पर आप देखो, नाउन शब्द कहा नाउन लेकर के साथ क्या ले लिया खेल, यानी नाउन के रूप में इसका मैं क्या क्या रखता हूँ, इसको मैं एक नाउन के रूप में प्रयोग कर सकता हूँ, खेल नाटक क्रीड़ा अभिनय जुआ क्रिया क्रियाशीलता असी विनोद गति। आगे कहता है कि वर्ब, यानी मैं इस प्ले शब्द का प्रयोग नाउन के रूप में भी कर सकता हूँ, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, नाउन के रूप में प्रयोग कर सकता हूँ वर्ब के रूप में। तो वर्ब में जो क्या कहता है खेलना नाटक करना बाजा बजाना करना जुआ खेलना नाटक रूप में बदलना कूद फांद मचाना, यानी वर्ब और नाउन की बात हो गई। इसके बाद में देखो ये कह रहा है कि आगे आप प्ले का अर्थ चलाइए अर्थ में भी कर सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आप जो भी आपने रन शब्द देखा मैंने उसका अर्थ मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ एक बार के लिए। देखो रन, रन का मतलब क्या क्या हो सकता है, रन यानी चलाना, रन यानी दौड़ना, वेग से चलना यानी तेज गति से चलना, दौड़ाना यानी मात्र न कि दौड़ना, हम दूसरे को दौड़ाने के अर्थ में कर सकते हैं रन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दौड़कर पार करना बच भागना घूमना चालू रहना बहना कूदना। अब देखो माय डियर गाइज मैं इसी क्रम में आपको एक बात और आपको बता देना चाहूँगा तो आप उसको एक थोड़ा गौर करें। जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि कई बार आपकी इस प्रकार की भी गलतियाँ कर देते हैं कि मेरे वहाँ एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्ज़ाम में शब्द आया फ्ली। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैं आपके सामने एक शब्द और लिख रहा हूँ, इन दोनों शब्दों में आपको कुछ खास फ़र्क अंतर नहीं आ रहा होगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप अगर इस शब्द को देखते आपके एग्ज़ाम में तो आप क्या गैस करते हैं क्या अनुमान लगाते हैं जो मैंने किया होगा। तो आप विशेष तौर से मैं आपसे इस बात को क्वेश्चन के रूप में आपके पास छोड़ देता हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये मुझे जवाब भी दें कि जब मैंने पहली बार इस फ्ली शब्द को देखा होगा तो मैंने इसका क्या अर्थ लगाया होगा, जबकि आपके सामने एक दूसरा मैंने रख दिया क्या फील फ्ली फ्ली और फील। डियर गाइज यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्रसंगवश शब्दों का अर्थ किस प्रकार से बदल जाता है, जबकि हम बहुत बार ये गलती कर बैठते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ मुझे तो बहुत अच्छे से आता है। तो आप आगे से ध्यान रहे कि प्रसंगवश आपके शब्दों का अर्थ बदलता जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और भी। डियर गाइज आपने देखा होगा, मैं उदाहरण के तौर पर रखता हूँ आपके सामने सेंटेंस, ठीक है। देखो वैसे तो मैं आपको बहुत अलग बातें हैं, चलो अगर आप जवाब देना चाहें तो मैंने एक बार तो यहाँ पर रखा ये लगाया है, एक बार मैंने यहाँ लगाया है, आप मुझे इसका जवाब ज़रूर दे आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में अभी उनका जवाब दे सकूँ। देखो मैंने यहाँ लगाया है ये कोमा जो मैंने लगाया ना, ये कोमा नहीं है, इसका एक विशेष अर्थ है, यानी इसको हम कहते हैं हमारे शब्दों में स्ट्रेस, यानी ये क्या है एक प्राइमरी स्ट्रेस है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रेस यानी मैं सेंटेंस बोलता हूँ एक बार और ये बोलता हूँ सेंटेंस, दोबारा सुनना सेंटेंस, दोबारा बोल रहा हूँ सेंटेंस। तो दोनों में अर्थ क्या है और प्रसंगवश इनका अर्थ कैसे बदल जाता है, आप उदाहरण से इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद डियर गाइज। आगे हम बात करेंगे हमारे सिंपल फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस की, आप कमेंट जरूर करें, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी कमेंट जरूर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद डियर गाइज।